एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हम लोग आए हैं लोनावला फॉर अ स्टेकेशन। एंड इससे पहले मैंने इस स्टेकेशन पे आने के लिए एक रोड ट्रिप का व्लॉग भी डाला है, जिसका लिंक मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी, सो यू गाइज कैन गो एंड वॉच दैट आउट एज वेल। हम लोग आज स्टेकेशन के लिए आए हैं इस बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी में, द पार्क एंड आर्ट होटल। पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है बिकॉज वी हैव कम विद आवर फर बेबी, सो स्टे ट्यून टू द वीडियो एंड एंजॉय। मैं आपको अपना रूम टूर करवाती हूँ। कोको इज सिटिंग राइट देयर एंड यहाँ एंटर करते ही देयर्स अ मिरर व्हिच लुक्स नाइस। एंड अंदर आकर दिस इज द बेड एरिया एंड हमने नॉर्मल वाला रूम लिया है बिकॉज वी आर जस्ट टू पीपल। एंड यहाँ पर स्वीट रूम्स भी हैं वैसे। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। बाहर गार्डन व्यू है विच इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। यहाँ से बालकनी नहीं है बट इट लुक्स नाइस। तो यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स है बिकॉज इस जगह का नाम ही है द बार्क एन आर्ट, एन आर्ट होटल, मतलब आर्ट होटल है। तो यहाँ पर बहुत सारी आर्ट फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड वॉशरूम भी दिखा देती हूँ आपको। वॉशरूम इज नाइस, आई लाइक दिस वॉशरूम, नाइस एंड क्लीन, सिंपल नाइस वॉशरूम, आई लाइक इट, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड हियर इज द मिरर अगेन, हाय गाइस। ठीक है, काफ़ी अच्छा है ये। द बेस्ट पार्ट इज दे हैव डिफरेंट शॉल एरिया व्हिच आई रियली लाइक। यहाँ पर हैंग के लिए भी प्लेस बनाए गए हैं, बट है बहुत क्यूट एस्थेटिक है, इट लुक्स रियली गुड। क्या कर रहे हो? लिटर लेके आता हूँ गाड़ी में। हाँ, हम अभी कोको का लिटर बॉक्स नहीं लाए हैं, लिटर बॉक्स नहीं एक्चुअली, उसका लिटर ट्रे लिया हमने छोटा वाला कैरी करते जो हम। सो आई गॉट ऑल रेडी एंड ड्रेस्ड अप टू एक्सप्लोर। चलो फटाफट से ये होटल एक्सप्लोर करते हैं। बहुत तेज बारिश आ गई है। And this place looks so pretty. देखो यहाँ का हम लोग का रूम है, उसके बाहर ऐसे लॉन एरिया है, looks so beautiful. हमारा वाला रूम नॉर्मल रूम था एंड दिस इज डीलक्स रूम विच इज अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव, बट बेडिंग एरिया इज सेम, ये भी सेम है, कैबिनेट्स एंड टीवी एंड ऑल दिस। बस यहाँ पर थोड़ा सा एग्जैजरेट करके वॉशरूम एरिया है एंड यहाँ सामने मिरर है एंड इट्स क्वाइट सिमिलर। वैसे वॉशरूम एरिया भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है डीलक्स रूम में एंड अगेन मिरर। Best part about this room is this balcony, which is quite spacious. यहाँ बैठने का भी अच्छा खासा इंतज़ाम है, आप लोग यहाँ बैठ सकते हो, you can have your tea, coffee, breakfast और lunch also. And the view, look at the view. And बारिश आ रही है बहुत प्यारा, just look at the view. यहाँ से इनका gazebo भी दिख रहा है which is absolutely stunning. And सामने देखो वो जैसे पानी फ्लो करता हुआ दिख रहा है नदी की तरह। यहाँ पर बारिश आती है तो वाटरफॉल्स होने लगती है लोनावला में, सो आई थिंक ये किसी वाटरफॉल का पानी आ रहा है ऊपर से। एंड ऊपर इतने सुंदर सुंदर रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और भी देखो सामने, दिस प्लेस लुक्स सो ब्यूटीफुल। और इतनी ग्रीनरी है ना यहाँ, तो ये बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। और स्पेशली जिन लोगों को बालकनी वाला रूम मिलता है उनको अपनी प्राइवेसी भी मिल जाती है बिकॉज दे कैन जस्ट कीप देयर विंडोज ओपन, दे कैन जस्ट चिल, बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। सो ये प्लस पॉइंट होता है डीलक्स रूम का, बट वी डोंट वॉन्ट दिस बिकॉज कोको भाग जाएगा बाहर एंड वी आर रियली स्केयर अबाउट इट। ओह, हमारे रूम में अलग पेंटिंग है, यहाँ पर पेंटिंग बंदर की है विच लुक्स गुड। तो आर्टिस्टिक तो है ही ये जगह, जस्ट लुक एट द आर्ट पीसेस, सो प्रिटी, देखो इतना प्रिटी है। एंड अब हम आए हैं एक और रूम देखने हैं विच इज़ अ स्वीट रूम। सो ओपन करते ही सामने एक और आर्ट पीस व्हिच लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड हियर इज द सिटिंग एरिया
the drawing room, which looks so huge and nice, so pretty, बहुत सुंदर है. और यहाँ पर देखो क्लॉजेट भी है, क्लॉजेट भी है, and it looks so nice. Just look at it. काफ़ी स्पेशियस है, मतलब आप अपना सारा सामान रख सकते हो इस क्लॉजेट में. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज दे हैव एवरीथिंग सो एस्थेटिक एंड ब्यूटिफुल. एंड यहाँ पर इस वाली जगह पर भी एक वॉशरूम है, आई थिंक ये पाउडर रूम है. हाँ ये पाउडर रूम है. एंड यू हैव अ बिग मिरर हियर, लुक्स नाइस. लुक एट द आर्टिसेस, वाओ. आई थिंक यहाँ पर बहुत बड़ा, सो प्रिटी, सो प्रिटी. यहाँ पर इतनी बड़ी बालकनी है, आई लव इट. स्वीट रूम तो बेस्ट है. यहाँ सिटिंग एरिया भी बहुत अमेजिंग है. एंड पूल के सामने है, जस्ट सामने यहाँ गजीबो का व्यू है. सो नाइस, कितना सुंदर है ये रूम. ये सब रूम्स की प्राइसेस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के, सो कीप वॉचिंग द होल वीडियो. चलो ये तो हमने अभी सिर्फ इसका डाइनिंग एरिया देखा था, ड्राइंग रूम देखा था. एंड दिस इज द बेडरूम ऑफ द स्वीट रूम. एंड दिस इज हाउ द बेडरूम लुक्स. इट इज़ अ ह्यूज बेडरूम, काफ़ी स्पेस है इसमें. एंड यहाँ पर सामान रखने का भी काफ़ी अच्छा स्पेस है. एंड द टीवी अगेन लुक्स नाइस. दिस इज द एंट्री गेट, लुक्स गुड. यहाँ पर सामने मिरर है. एंड लेफ्ट साइड में है वॉशरूम. वॉशरूम की लाइट्स कहाँ है? लाइट्स ओ ओके, लाइट्स आर आउटसाइड. हाँ सो दिस इज द वॉशरूम, नाइस. सो वहाँ पाउडर रूम भी है, सो इफ यू वॉन्ट समबडी टू यूज दैट तो कोई बंदा वो भी यूज कर सकता है. एंड दिस इज ऑल्सो द वॉशरूम. एंड उसके अलावा दिस इज द ब्यूटिफुल सिंक में वॉश बेसिन बेसिकली. एंड ये देखो बेथिंग एरिया यहाँ पर स्पेशियस है, थोड़ा ज़्यादा कंपेरेटिवली. इसका बेथिंग एरिया थोड़ा बड़ा है. रूम में बालकनी नहीं है, सिर्फ ड्राइंग रूम में है. बट यहाँ से बाहर का व्यू अच्छा है, काफ़ी नाइस. बट मुझे ड्राइंग रूम से बालकनी का व्यू ज़्यादा अच्छा लगा. सो दिस इज हाउ दिस रूम लुक्स, आई लाइक इट. Quite spacious, very cute, very nice. अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे कुछ अच्छा बजट में रहना है and you want to have a suite room, then this is perfect. And I think Lonavala में ये बहुत सुंदर property मिली है मुझे, which is not so expensive. It's very artistic, the best part about this place. Art lovers के लिए तो ये paradise है. ओ दिस इज़ द रेस्टोरेंट. हम लोग लंच करने जा रहे हैं बिकॉज लंच टाइम ओवर होने वाला है. अभी इन लोगों ने बोला है 3:30 तक लंच टाइम है, तो वी गोना ऑर्डर समथिंग. चलो यहाँ पर लंच करेंगे. सेटअप लुक्स नाइस. आई थिंक द ओनर इज पेट लवर बिकॉज यहाँ पेट्स अलाउड है. एंड आई थिंक ये उन्हीं के पेट्स है, आई जस्ट होप. लग रहा है देखकर, so cute and everything is so artistic and nice. Yeah, paintings are all over the place and I love the outside area, looks so good. And this also, how can I just forget this? This looks so cute. Paintings dekho sab jagah hai. Vibe kaisi lag rahi hai yahan ki? Bahut achhi hai yaar, hai na? अमेजिंग है, रिजॉर्ट जैसा लग रहा है. नहीं रिजॉर्ट, इट्स अ होटल. हाँ
कौन आया है, कोको है। बारिश के बाद हो रही ना ऊपर। हाँ, डर रहा है बहुत ज्यादा। रूम में छोड़ा हुआ था ये, डर रहा है बेचारा, रूम में नहीं रहना चाहता। तो मेरे पास बिठा दो, इसकी लीश नहीं लाए ना यार। अरे लीश से मेरे को डर नहीं लगता ना, इसको कहीं भी ऐसे अटका के लीश बिठा सकते हैं। अच्छा कोको कम 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 बेबी, ओके सिट ऑन माय लैप, सिट डाउन सिट डाउन। चिली पनीर लुक्स रियली डिलीशियस एंड ये हमने मंगवाया है पॉट, आई थिंक पॉट राइस, पॉट राइस एंड इसकी ग्रेवी लुक्स गुड। साथ में थोड़ा शेजवान सॉस विद अ व्यू। हम लोग बाहर आकर बैठे स्पेशली फॉर द व्यू। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज द एम्बियंस इज सो गुड, डेकोरेशन इज सो गुड एंड आई रियली लाइक द वाइब ऑफ दिस प्लेस। यहाँ पर बैठ के खाने में मज़ा आएगा। इन दिस ट्रेडिंग फॉर अभिषेक बिकॉज कोको को छोड़ने जाना था रूम में बिकॉज वो थोड़ा सा इरीटेट कर रहा था एंड उसको बिना लीश के संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अभिषेक इज बैक नाउ, वी गोना स्टार्ट अ यम्मी फूड। लेट्स स्टार्टिंग विद दिस चिली पनीर, लुक्स डिलीशियस। चलो अभिषेक विल ईट एंड टेल यू गाइस कि कैसा है इसका टेस्ट। Tastes good? Okay. I'll also try because अब taste करना तो बनता है। It's actually good. Really good. बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है बारिश। We are gonna have our pot rice. एंड बहुत ही डिलीशियस सा लंच करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ के रिसेप्शन एरिया में, जो कि इन्होंने बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, जहाँ पर बहुत सारी गेमिंग है, मतलब आप बहुत सारी गेम्स खेल सकते हो, इंडोर गेम्स, एंड साथ ही साथ आप पढ़ भी सकते हो बुक्स। सो ये कुछ ज़्यादा ही क्यूट सा लगा मुझे। अलग अलग एरियाज़ बनाए हुए हैं यहाँ पर, देखो सिटिंग के लिए अलग से बनाया हुआ है कि जिसको बुक पढ़नी है वो यहाँ बैठ कर आराम से बुक पढ़ सकता है, इन्जॉय कर सकता है। काफ़ी सारे बुक्स की ऑप्शंस है यहाँ पर, तो आपकी अगर कोई फेवरेट बुक आपको यहाँ मिल जाती है दैन इट इज़ रियली गुड। उसके अलावा यहाँ पर कैरम बोर्ड भी है विच इज़ अमेजिंग, बहुत मज़ा आता है कैरम बोर्ड खेलने में। एंड बहुत सुंदर सा डेकोरेटेड एरिया है, सब कुछ ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ स्नूकर पूल भी है जो कि मुझे खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग एक्चुअली बाहर निकले रिजॉर्ट से और हमने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। वैसे तो इतनी तेज़ बारिश आई है अभी कि 5:40 हुए हैं, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो चुका है एंड फॉग बहुत बढ़ गई है। मौसम ठंडा हो चुका है और मुझे शायद इसलिए थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग रहा है बिकॉज आई एम हैविंग कोल्ड कफ और थोड़ा सा फीवरिश लग रहा था मुझे, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेदर? हाँ ठंडा तो हो गया, ठंडा तो हो गया वैसे कंपेयर टू मॉर्निंग। हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग फास्ट। तो अभी चलते हैं कोई अच्छी सी लोकेशन पर, देखते हैं क्या क्या इस टाइम एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग, लेट्स गो। मैंने वापस से अपना टॉप पहन लिया, पैंट पहन ली बिकॉज मौसम चेंज हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है, मुझे ठंड लग रही थी, सो आई ऑल्सो वोर माई जैकेट। वैसे उतना ठंडा नहीं है बट स्टिल मुझे थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग रहा था बिकॉज आई एम फीलिंग अ लिटिल अनवेल, सो जैकेट पहन ली। अभिषेक इज वेयरिंग दिस। तो ये अब जब तक क्लाउडी है मुझे नहीं लगता कि हम कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे, लग रहा है वापस ही जाना पड़ेगा अपने होटल। वापस चलते हैं अब क्या करें? हाँ लेट हो गया ना, इतनी बारिश हो रही थी, तो एक्चुअली लेट हो गया। लेट भी ऐसा नहीं है, हाँ इतनी जल्दी इतना वो नहीं होना चाहिए। और वैसे भी 4 बजे बहुत तेज बारिश आ रही थी तो हम लोग कहीं निकल नहीं सकते थे, तो हम लोग काफी वेट कर रहे थे कि जब थोड़ा बारिश कम होगी देन वी गो आउट, बट बारिश बंद होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है मौसम।
कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है कभी कभी, इट्स ओके. सो हम लोग जहाँ जा रहे थे वो जगह एक्चुअली सनसेट व्यू पॉइंट आई थिंक. हाँ तो सनसेट तो हमें दिखेगा ही नहीं. हाँ खंडाला सनसेट पॉइंट, बट हमें रास्ते में ना वाटरफॉल दिखता है बहुत. हाँ बट अभी जितना क्लाउडी है हमें कुछ नहीं दिखने वाला, ना वाटरफॉल्स और ना ही सनसेट. सनसेट पॉइंट जाकर अगर सनसेट ही नहीं दिखेगा तो क्या फ़ायदा उसका. सो हम लोगों ने यू टर्न ले लिया है एंड वी आर गोइंग बैक टू द होटल. आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट दो, बट कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है. बट हमारा रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, हमारा होटल बहुत अच्छा है, वी आर चिलिंग देयर. हम लोग वहाँ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. मैं सोच रही हूँ रूम में जाकर थोड़ी कॉफ़ी पी लूँगी अभी. व्हाट डू यू से? We'll have some coffee, we'll chill. Coco भी enjoy करेगा. हम लोग अच्छा हुआ उसको नहीं लाए, because वो उसको लाना ले जाना and then वापस ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, because उसको पहले तो बहुत मुश्किल से लेकर आना पड़ता है कहीं भी. So वो चीज़ भी एक बहुत बड़ा टास्क है. If you're a pet parent तो आप ज़रूर ज़रूर समझ सकते हैं ये बात. And अगर आप अपने pets के साथ travel करते हो तो आपको मेरे vlogs देखने चाहिए, because I love to travel with Coco. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कोको को अपने साथ हर जगह लेकर जाऊँ. एंड हमारे लिए जितना भी पॉसिबल होता है, हम जितना भी कार से ट्रैवल कर पाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कोको को साथ में लेकर जाऊँ. एंड मैंने इवन कोको के साथ फ्लाइट में भी ट्रैवल किया हुआ है. सो मैं उसका भी लिंक आई बटन में दे दूँगी. अगर आपको कुछ भी जानना है हाउ टू ट्रैवल विद योर पेट इन फ्लाइट, तो उसका भी आई बटन में लिंक है, आप लोग जाकर वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो. यहाँ बहुत अमेजिंग स्विमिंग पूल है, कितना बड़ा है देखो, ह्यूज स्विमिंग पूल एरिया. एंड पीछे गज़ीबो है, एंड यहाँ भी गज़ीबो है. हम लोग अम्ब्रेला के साथ खड़े हैं, बिकॉज थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही है. इट फील्स गुड, मुझे थोड़ा ठंडा लग रहा है, बट इट्स रियली गुड. प्लेजेंट वेदर, बहुत अच्छा वेदर है. और आगे यहाँ पर एक और चीज़ है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जो मैं आपको दिखा रही थी ना, नदी जैसा जा रहा है और वो शायद कोई वाटरफॉल आ रही है, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है. सो ये रास्ता है क्यूट सा जाने के लिए. हम लोग यहाँ गज़ीबो में बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं ऐसे थोड़ा. बट हम अभी जा रहे हैं यहाँ से देखने यहाँ क्या है, बट हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते बिकॉज गेट बंद है. ये देखो पानी यहाँ से जा रहा है ना, वाटरफॉल जैसा. वेट आई शो यू, देखो केक कटिंग के बाद वी डिसाइडेड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर. तो हम लोगों ने वहाँ पर स्नूकर स्पूल था तो वो खेलना स्टार्ट किया, एंड इतना मज़ा आता है हम लोगों को स्नूकर स्पूल खेलने में कि हम लोगों ने 4-5 राउंड्स तो खेल ही लिए थे. बहुत इन्जॉय किया हमने वहाँ पर, और बहुत सारे लोग भी थे लॉबी में जो लोग बैठे हुए थे और अपना चिल कर रहे थे सब लोग. तो हमने उन्हें भी बोला कि हमें ज्वाइन कर ले वाइल वी वर कटिंग द केक फॉर अभिषेक्स बर्थडे. तो उन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया था और हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, उसके बाद खेला एंड काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया इस प्रॉपर्टी पे. इट वाज अ फन टाइम ओवर देयर. अब वो समझ गया. यस मेरे से प्यार करना है.
सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ रूम के प्राइसेस, मैंने अगोड़ा से बुक किया था, तो अगोड़ा पर रूम के प्राइसेस क्या हैं। रूम के प्राइसेस हैं 2700 फॉर वन रूम विदाउट ब्रेकफास्ट। अगर आप ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड लेना चाह रहे हो तो हमारे वाले स्टैंडर्ड रूम का प्राइस हो जाएगा 3250। एंड अगर आप लेना चाह रहे हो डीलक्स रूम जो मैंने आपको दिखाया था, तो उसके विदाउट ब्रेकफास्ट चार्जेस हैं 3588। और उसके अलावा अगर आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाते हो तो वो 4000 का हो जाता है, विच इज़ नॉट अ बैड डील। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लेते हो बड़ा वाला स्वीट रूम, तो स्वीट रूम के चार्जेस है 7300 फॉर टू अडल्ट्स विदाउट ब्रेकफास्ट। और अगर आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाते हो तो इट गोज़ टू 7760, विच इज़ अ गुड डील आई थिंक। तो ये है रिजॉर्ट के प्राइसिंग के बारे में। सो बाकी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग प्राइसेस हो सकते हैं, प्राइसेस अप एंड डाउन जाते रहते हैं। अगर पीक टाइम होता है, सीजन टाइम होता है, तो प्राइसेस अप हो जाते हैं। दिस इज़ द प्राइसेस दैट आर ऑन अगोड़ा राइट नाउ। अभी ऑफ सीजन चल रहा है इसलिए प्राइसेस थोड़े डाउन है अगोड़ा पर, बट अगर आप सीजन में जाओगे तो प्राइसेस में चेंज। So I hope you enjoyed today's video. If you did, then please like the video, share it with your friends and family, and don't forget to subscribe to my channel if you're new to my channel, and press the bell icon. See you in the next video. Bye bye.